अब मीडिया कॉर्पोरेट्स के हाथ में है आज, बड़ा बड़ा जो जो मीडिया है, तो कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते कि वो सरकार को डिस्प्लेस करें, क्योंकि असलियत तो यह है कि रिसेशन आ गया है हमारे देश में और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और बदतर हो रही है। देखिए इंटेंशन तो साफ है कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज अपनाएं और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको और बड़ा किया जाए और जो बाकी छोटा है और माइक्रो सेक्टर है उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है। और वजह क्या है कि इलेक्शन फाइनेंसिंग में जहां से पैसा आता है उसी का इंटरेस्ट आगे किया जाता है, तो इसलिए जो आज की सरकार है उसको बार बार ये समझ में आ रहा है कि हमें परचेजिंग पावर नीचे के लेवल पे देना है, नहीं तो रेट ऑफ ग्रोथ तो हमारा पहले से ही कम हो रहा था, पैंडेमिक के पहले ही 8% से गिर के 3.1% आ गया था, बेरोजगारी 45 साल के एक्सट्रीम लेवल पे आ गई थी, है ना, तो ये समस्याएं तो बढ़ रही और ये और ज्यादा जटिल हो गई। अभी जो हमारा असंगठित क्षेत्र उसके आंकड़े हमारे जीडीपी में नहीं आते, उसके आंकड़े हमारे इन्फ्लेशन में नहीं आते, तो असलियत ये है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं है, वो -1 है, -1 क्योंकि असंगठित क्षेत्र कम से कम 10% गिर रहा है और वो 31% है हमारे जीडीपी का, तो अगर 31% में 10% की गिरावट है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे कृषि का आंकड़ा होता है वो क्वार्टरली आंकड़ा क्या होता है, वो कहते हैं कि टारगेट फुलफिल हो गया। अब टारगेट कैसे फुलफिल हो गया, अभी आपने मार्च अप्रैल में देखा कि जिस समय सूखा पड़ रहा था, जब गर्मी एकदम से आ गई तो गेहूं की फसल कम हो गई, वेजिटेबल्स की फसल कम हो गई, सिट्रस फ्रूट्स की फसल कम हो गई, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया, जो टारगेट था फुलफिल हो गया। अभी आपने देखा पैडी की सोइंग में डिले हो गया क्योंकि बारिश देर से आई, फिर फ्लड आ गया, तो अब पैडी की भी फसल वो नहीं होगी जो सरकार कह रही है, लेकिन वो कह रही कि नहीं टारगेट फुलफिल हो गया। तो वो क्वार्टरली जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हो रही है 3%, 4%, जबकि एक्चुअली वहां पे भी गिरावट है। उसी तरह आपने देखा जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस समय 50% जो चीजें नहीं आ पाई मंडियों में, वो सड़ गई खेतों में, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं 3% ग्रोथ हो गई उस समय भी। तो हमारे आंकड़े सही नहीं है ग्रोथ के, हमारे आंकड़े इन्फ्लेशन के सही नहीं है, इनको हमें बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज हमारे देश में रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा है क्योंकि असंघर्ष क्षेत्र पिट रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट में दिख रहा है वो संघर्ष क्षेत्र दिख रहा है, वहां तो सिर्फ 6,000 यूनिट्स हैं, 6 करोड़ माइक्रो यूनिट तो है नहीं वहां पे स्टॉक मार्केट में, तो असली में हालत हमारी बहुत खराब है। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। इतनी परेशानी मुझे लगता है कि 1990 में आई थी, उसके बाद इतनी परेशानी नहीं आई है देश में जो कि आज है, जो मतलब 2007-08 का भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उस समय भी इतनी परेशानी नहीं थी, क्योंकि जो यूपीए की सरकार थी उसने मिड डे मील स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारी स्कीम्स की थी जिससे गरीब आदमी को बेनिफिट मिले, लेकिन आज वो स्थिति उससे भी बदतर है। तो आज जो है समस्या वो ये है कि जो आम आदमी है उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे प्रोटेस्ट करूं, उसको जो संगठित करना जो ये पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को, वो संगठित नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना आ चुका है देश में और विदेश में भी, जैसे यूएसए में 2 क्वार्टर में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था पिछले 2 क्वार्टर में, टेक्निकली वो भी रिसेशन है, और ब्रिटेन में रिसेशन है, ब्रिटेन का जो सेंट्रल बैंक, और यूरोप में भी रिसेशन है। IMF कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड बैंक डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, ADB डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, वो तो सरकार के आंकड़ों लेके उसमें 0.5% का इधर उधर कर देते हैं। तो जो कमी जो कमजोरी हमारे ऑफिशियल आंकड़ों में है वही उनके आंकड़ों में है, तो एक्चुअल में हमारा वो कह रहे हैं 7%, 7.5%, 7.5% वो नहीं है। सवाल ये कि जब असंघर्षित पिट रहा है तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, रिसेशन आ चुका है, वो सिर्फ फोकस संघर्ष क्षेत्र पे कर रहे हैं, सरकार भी उसी पे कर रही है और जो IMF, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो भी सब उसी पे कर रहे हैं, असलियत नहीं दिखा रहे। असलियत तो यह है कि रिसेशन आ गया है हमारे देश में और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और बदतर हो रही है, इसीलिए हमारा जो सप्लाई बॉटलनेक है उसकी वजह से इन्फ्लेशन की हालत और खराब हो रही है। जब इन्फ्लेशन खराब होगा तो डिमांड और कम हो जाएगी, रिसेशन और बढ़ जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, हम कह रहे हैं दुनिया भर में कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम इंटरेस्ट रेट को जो है और बढ़ा देंगे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यूक्रेन में युद्ध नहीं रुक जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी नहीं खत्म हो जाएगी, तो वो तो सप्लाई बॉटलनेक चलता रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में रिसेशन आएगा, भारत में रिसेशन और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा RBI भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और रुपी के डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन और तेज हो रहा है। तो इसलिए ये सारा एक विशेष साइकिल है
उसमें हमारा जो रिसेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन तेज इसलिए क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक खत्म नहीं हो रहे, और यूक्रेन युद्ध से जो कोल्ड वॉर शुरू हो गई है जिससे कि फाइनेंस डिस्टर्ब हो गया है, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, ट्रेड डिस्टर्ब हो गया है, ये तीनों के डिस्टर्बेंस होने से सारे दुनिया में परेशानी का दौर और बढ़ जाएगा, जिससे हमारे देश में परेशानी का दौर और बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम नहीं समझा पा रहे क्योंकि हमारी आवाज़ वहां तक जाती नहीं है। आवाज़ कैसे जाएगी, या तो पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ ले जाएंगी या मीडिया ले जाएगा। अब मीडिया कॉर्पोरेट्स के हाथ में है, आज बड़ा बड़ा जो मीडिया है, तो कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते कि वो सरकार को डिस्प्लेस करें क्योंकि सरकार से उनको बेनिफिट मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में उनका जब दाम बढ़ रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, नंबर ऑफ बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, संगठित क्षेत्र के लोग हैं वो लोग, है ना, तो इसलिए हमारी आवाज़ तो वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। जो आम व्यक्ति है उसको ना हमारी भाषा समझ में आती है, ना जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं वो समझ में आता है। तो मीडिया का काम है कि जो असलियत है वो वहाँ तक पहुँचाए। अगर मीडिया ये काम करेगा तो वहाँ पे तक बात पहुँचेगी, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो करेंगी तो बात पहुँचेगी। उसमें तो यही बताना है कि देखिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, और जहाँ जहाँ वो फंसी हुई हैं वहाँ पे जो सरकार उसका जो फायदा उठा रही है, उनके पास फाइल है उनकी, तो जो अपोज करता है। स्टॉकिंग हुई है मनी की, जो अपना जो बरामद हुए रेट्स के द्वारा, एंड शायद वही इलेक्शन में यूज होने वाले थे, नहीं वो कुछ ज्यादा ही। ऐसा है कि ये जो करप्शन होता है इससे तरह तरह से पैसा जनरेट होता है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अब वो कुछ पैसा पकड़ा गया, बाकी पैसा नहीं पकड़ा गया, नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं, अगर वो असली में मुद्दे उठाएंगे तो फिर उनको फायदा मिलेगा। मैंने ये कहा कि मनी का यूटिलाइजेशन उसमें नहीं, मैंने कहा कि लोग फील्ड पे जाएं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फील्ड में अपने वर्कर्स को भेजें, उनको बात समझाएं। जैसे कि कोरोना के काल में आपने देखा कि बॉडीज फ्लोट कर रही थी यूपी में, लेकिन वो बात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंची, वो बात से आम आदमी क्यों नहीं जाए ये सोचा कि भाई इससे हमें सरकार बदलना चाहिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज यूपी की थी वो ग्राउंड लेवल पे नहीं वो कैंपेन कर पाए, जो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से कैंपेन कर लेता है। तो कहीं जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जो ग्राउंड लेवल पे पकड़ है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जो सतही जो होना चाहिए उसकी जगह वो ऊपर ऊपर की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, राज्यसभा की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो नहीं जाता। नहीं, उसमें चार फैक्टर होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो सरकार यही कह रही है कि ये सिर्फ हंगर का नहीं है, ये मैल नरिशमेंट वगैरह का भी है, बच्चों में स्टंटिंग है, बच्चों में ये सब है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं। पर मेरा मानना है जो हंगर इंडेक्स है वो शायद सही दिखा रहा है, क्योंकि हालांकि हम कह रहे हैं 80 करोड़ तक अनाज पहुंचा दिया है, लेकिन शायद वो 80 करोड़ तक पहुंच नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो ये पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है कि भाई आपने कितना कंज्यूम किया है ना, पर ये नहीं दिखाता कि आपका हंगर है या नहीं। तो आप हो सकता है पैसा आपको मिल रहा हो वो आप मोबाइल फोन में लगा दे रहे हो सकता है वो शराब पीने में लगा दे रहे हो, और हो सकता है कि आप हंगर मिटाने में नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये कहना कि पॉवर्टी, जैसे कहा यूएनडीपी ने कि पॉवर्टी कम हो गई, लेकिन वो पॉवर्टी कम शायद नहीं हुई है ना, वो सिर्फ ये कि आपकी आमदनी बढ़ गई है, और आमदनी बढ़ने से आपने अस्यूम कर लिया कि वो खाना पीना खा रहे हैं। हो सकता है वो खाना पीना ना खा के वो मोबाइल कर रहे हैं, हो सकता है वो एक फिल्म देख रहे हों, हो सकता है कि वो कुछ और काम कर रहे हों, शराब पीने वगैरह का काम है, जुआ है, बाकी और चीज़ें हैं। तो इसीलिए मतलब रियलिटी ये है कि हमारा प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है फूड का वो कम क्यों हुआ। वो जो उनका सैंपल है उसमें 3-4 हजार लोगों से इंटरव्यू किया, जो सरकार सही कह रही है कि वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए सैंपल। जैसे कि हमारा एनएसओ है वो 1,75,000 जो सैंपल करता है ना, लेकिन इतने बड़े देश में 140 करोड़ के देश में हो सकता है वो भी कम हो, है ना। तो सैंपलिंग की ये तो एक समस्या रहेगी, तो आप बेटर सैंपलिंग करिए, बेटर डेटा निकालिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि बेटर डेटा होगा तो आपका बेटर उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। पर आज के हिसाब से जो भी सैंपल आपने इस्तेमाल किया वो ये दिखा रहा है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम स्लिप कर गए। मैंने कहा ना कि हमारी आवाज़ तो वहाँ पहुँचती नहीं ना, जो बात हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, चार तरह का है, वो जब तक कि जो एक्टिविस्ट हैं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड लेवल तक नहीं ले जाएंगे उनकी भाषा में, तब तक हमारा काम जो अधूरा रहेगा। उसको पॉलिटिकल मुद्दा तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बना सकती हैं, और मीडिया अगर उसमें मदद करे तो मीडिया वहां तक ले जाएगा तो वो एक मुद्दा बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक नीचे तक नहीं पहुंचेगा, हम लोग ऊपर ऊपर कुछ भी बोलते रहें उसका वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। थैंक यू।